आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 3 के यहाँ पे 30 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। भाई यहाँ पे सिंघम अगेन ने अभी तक 30 दिनों में कितना कलेक्शन किया है। भाई द साबरमती रिपोर्ट ने अभी तक बॉक्स ऑफिस में कितना कलेक्शन किया है। तीनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं अभी तक किस मूवी ने अभी तक कितना कलेक्शन किया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे भूल भुलैया 3 ने काफ़ी अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। कि सिंघम अगेन से क्लैश होने के बाद भी फिल्म जो है काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो भूल भुलैया 3 ने जो है सिंघम अगेन से काफ़ी बेटर कलेक्शन किया। तो देखते हैं फिल्म ने अभी तक कितने का कलेक्शन किया है। बात करें फिल्म के फर्स्ट वीकेंड के कलेक्शन की, तो फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड में 110 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करती है। अपने फर्स्ट वीक में फिल्म जो है यहाँ पे 158 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती है, जो कि काफ़ी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस रहती है। बात करें सेकंड वीक में, तो फिल्म सेकंड वीक में भी अच्छा होल्ड के साथ चलती है और सेकंड वीक में फिल्म जो है 58 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती है। देखा जाए तो फिल्म ने 2 वीक में काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन किया है। बात करें थर्ड वीक की, तो फिल्म अपने थर्ड वीक में जो है 23 करोड़ 35 लाख रुपए का कलेक्शन करती है। बात करें चौथे वीक की, तो फिल्म अपने चौथे वीक में जो है 11 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन करती है। बात करें अपने 29वें दिन की, तो फिल्म 29वें दिन यहाँ भी नेशनल हॉलीडे होने की वजह से, नेशनल सिनेमा हॉलीडे होने की वजह से फिल्म जो है यहाँ पे 2 करोड़ 40 लाख रुपए का काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाती है। बात करें अपने 30वें दिन की, तो फिल्म अपने 30वें दिन जो है 1 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन करती है। फिल्म ने अभी तक यहाँ पे 255 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया 30 दिनों में। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक से पुष्पा 2 रिलीज हो जाएगी, तो शायद फिल्म का कलेक्शन ये हो यहाँ पे 260 करोड़ के समथिंग रहा है, फिल्म इससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो देखते हैं फिल्म क्या और क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाती है, फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कैसा होता है। करें सिंघम अगेन के अभी तक के 30 दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने 30 दिनों में कुछ यहाँ पे अच्छा कलेक्शन नहीं किया है। डेफिनेटली फिल्म का बजट भी ज्यादा था और इस हिसाब से फिल्म ने जो है काफी कम कलेक्शन किया। देखा जाए इसके साथ जो मूवी रिलीज हुई थी यहाँ पे भूल भुलैया 3, उसने काफी बेटर कलेक्शन किया सिंघम अगेन के मुकाबले। तो देखते हैं सिंघम अगेन ने अभी तक कितने का कलेक्शन किया 30 दिनों में। बात करें फिल्म के फर्स्ट वीकेंड की, तो फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड में जो है 121 करोड़ का काफी मैसिव कलेक्शन करती है। बात करें फिल्म के फर्स्ट वीक की, तो फिल्म अपने फर्स्ट वीक में 173 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती है। अब देखा जाए तो फर्स्ट वीक के मुकाबले यहाँ पे जो है भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन से 15 करोड़ रुपए पीछे रहती है। सेकेंड वीक में फिल्म का कलेक्शन जो है 47 करोड़ 50 लाख रुपए आता है। बात करें भूल भुलैया 3 के कलेक्शन की, तो भूल भुलैया 3 ने अपने सेकेंड वीक में जो है 58 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। थर्ड वीक में फिल्म जो है 15 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन करती है। चौथे वीक में फिल्म जो है 6 करोड़ 45 लाख रुपए का कलेक्शन करती है और अभी तक फिल्म ने जो है यहाँ पे 245 करोड़ 15 लाख रुपए का कलेक्शन किया। अपने 29वें दिन फिल्म जो है यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती है और 30वें दिन यानी सैटरडे के दिन फिल्म जो है 1 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन करती है। तो देखा जाए तो फिल्म ने जो है काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है। अब देखते हैं फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है यहाँ से। और देखा जाए तो अगले वीक जो है यहाँ पे पुष्पा 2 रिलीज हो रही है, तो पुष्पा 2 के रिलीज होने से यहाँ पे जो है जितनी भी स्क्रीन है यहाँ पे भूल भुलैया, सिंघम अगेन, साबरमती रिपोर्ट्स और बाकी की मूवीज के पास, वो ज्यादातर स्क्रीन जो है यहाँ पे पुष्पा 2 के पास चली जाएंगी। तो डेफिनेटली पुष्पा 2 की हाइप हिंदी मार्केट में काफी ज्यादा है, तो डेफिनेटली डबल ए फिल्म चाहेगी ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन जो है यहाँ पे पुष्पा 2 को दी जाए। तो देखते हैं यहाँ पे भूल भुलैया 3 और यहाँ पे जो है सिंघम अगेन का लाइफ टाइम कलेक्शन कैसा होता है। आपको में से इन दोनों में से आपको कौन सी मूवी अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बात करें साबरमती रिपोर्ट्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने भी कुछ यहाँ पे ओवरऑल अच्छा कलेक्शन नहीं किया है। फिल्म का बजट आई थिंक 40 करोड़ रुपए बताया जा रहा है इंटरनेट पे, उस हिसाब से फिल्म ने जो है यहाँ पे कोई यहाँ पे ओवर द टॉप कलेक्शन नहीं किया है विक्रांत मैसी की मूवी ने। तो देखा जाए तो साबरमती रिपोर्ट से अच्छी उम्मीद थी, फिल्म के रिव्यू भी थोड़े बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन फिर भी जो है उस लेवल का फिल्म ने जो है कलेक्शन नहीं किया जिस लेवल का उनकी पिछली मूवी 12th Fail ने कलेक्शन किया था। 12th Fail की यहाँ पे जो है डायरेक्शन स्क्रीन प्ले काफी बेहतरीन था और एक जो है देखा जाए तो काफी इमोशन टच मूवी थी। तो देखते हैं यहाँ पे द साबरमती रिपोर्ट कितना कलेक्शन करते, जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में द साबरमती रिपोर्ट ने अभी तक कितना कलेक्शन किया है। बात करें द साबरमती रिपोर्ट के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म को रिलीज टोटल 16 दिन हो चुके, तो जानते फिल्म ने अभी तक 16 दिनों में कितना कलेक्शन किया। बात करें इसके ओपनिंग डे की, तो फिल्म ने यहाँ पे जो है 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी। अपने फर्स्ट वीक में फिल्म ने काफी कम कलेक्शन किया था, 11.5 करोड़ रुपए का फिल्म का कलेक्शन आया था अपने फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में फिल्म जो है यहाँ पे 10.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती है। अभी तक फिल्म ने 16 दिनों में 26 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। अब देखा जाए तो फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए का, तो डेफिनेटली फिल्म जो है यहाँ पे उसके मार्क तक तो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि फिल्म को अभी भी 14 करोड़ रुपए का और कलेक्शन करना और फिल्म का कलेक्शन यहाँ पे जो है यहाँ पे 70 लाख 80 हजार रुपए दिन आ रहा है। तो उस हिसाब से फिल्म के लिए काफी मुश्किल है कि फिल्म जो है यहाँ पे जो है 40 करोड़ तक पहुंच पाए, क्योंकि अगले वीक पुष्पा 2 रिलीज हो रही है, तो डेफिनेटली पुष्पा 2 के आने से शायद जो है स्क्रीन काफी कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली द साबरमती रिपोर्ट के बाद बहुत ही कम स्क्रीन बचेगी। तो देखते हैं क्या ये मूवी जो है 40 करोड़ रुपए के मार्क को टच कर पाती है कि नहीं कर पाती। देखा जाए तो एक तरीके से फिल्म जो है यहाँ पे एक फ्लॉप ही साबित हुई है, क्योंकि फिल्म ने जो है अपने बजट से काफी कम कलेक्शन किया है। तो डेफिनेटली इंटरनेट के हिसाब से तो फिल्म का बजट 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच में बताया जा रहा है और उस हिसाब से फिल्म ने जो है कुछ बेहतरीन कलेक्शन नहीं किया है। तो देखा जाए तो द साबरमती रिपोर्ट भूल
बुलबुलैया 3 और सिंघम अगेन ने अभी तक जो है अच्छा कलेक्शन किया है। सिंघम अगेन और द साबरमती रिपोर्ट ने जो है एक तरीके से देखा जाए तो एवरेज से भी कम परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन यहाँ पे बुलबुलैया 3 ने काफ़ी मैसिव कलेक्शन किया है। बजट के हिसाब से देखा जाए तो बुलबुलैया 3 यहाँ पे जो है एक तरीके से सुपर हिट हो चुकी है। देखते रहेंगे फिल्म और कितना कलेक्शन करती है तीनों मूवी अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों और फ्रेंड के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।